अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ मज़ेदार का सा मैंने कुछ पराठों के साथ अपना नाश्ता से बनाया था, पैटीज फ्रोज़न पराठों से, जो मैं रेसिपी कई बार दे चुकी हूँ। तो मैं आजकल ज़रा बिज़ी हूँ और मैं आपको सुनाती हूँ अपनी कप टूटने की दास्तान। फाइनली मेरा कप, जो मेरी फ्रेंड को बड़ा पसंद था, ये टूट गया। बड़े साल चला है, कल बार बार ना क्रैक हो उसको लगे, मैं कहा टूटा नहीं है। अब मैंने चाय डाली तो यूँ ट्रेड सी फील हुई है। तो ये दोस्त भी मेरा जो है व्लॉग देखेगी, तो ये कप फाइनली टूट गया है, आपका फेवरेट कप। फटाफट मैंने चाय इसमें कन्वर्ट की अपने दूसरे नए कप में, ये भी पुराना है लेकिन यूज़ कम किया। तो जनाब ये हमारा कप अब टूट गया है। तो हम कर रहे थे अपना मज़ेदार सा नाश्ता। तो जनाब ये काफ़ी दिन पहले कप की स्टोरी थी, तो आप यहाँ पे 2020 में देख सकते हैं, वो जब मेरे घर आती थी कप यूज़ करती थी। और ये कप उसने कहा कि लेकिन धोते धोते मेरा हाथ लगा तो बड़ा टिक वो गया बेचारा। तो ये थी कप की दास्तान। मुझे कोई दुख नहीं, लेकिन उसको इस कदर दुख था कि मैं बता नहीं सकती। तो मैं घर के काम शाम करके कुछ फारिक हुई, तो आज दिन था लहसुन अदरक बनाने का। मैंने कहा चलो ये बना दें। आप लोगों को पता होगा सब हाउसवाइफ यही करती होंगी, वीकली मंथली जो भी जिसको बिजी लगता होगा पापा सारा बना के रख देती होंगी। अब मैंने जितना बनाया है, मुझे आइडिया था कि मैंने इतना बनाना है और साथ साथ गन भी डालना है, क्योंकि मासी सफाई कर रही थी। तो सॉरी गन के लिए, यानी कि बड़ी कोड़ी है और इस तरह गन डाला हुआ है। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले शीट बिछाई ट्रे में, ट्रे के अंदर शीट बिछा के मैं कर रही थी चॉपर के साथ चॉप। पता नहीं टूटने के दिन है चीज़ों के आजकल, वो चॉप की रस्सी टूट गई है या कुछ गड़बड़ कर रही है, तो वो हो ही नहीं रहा था। फिर मैंने इसको ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लिया, सबसे ईजी जो कि 5 मिनट में रहता है, लेकिन मुझे ज़रा मैन्युअली करने का बहुत मज़ा आता है इसको। तो खैर फिर मैंने चॉप कर लिया और इसको मैंने थोड़ा सा क्यूब्स में बना के रख दिया। आप लोग अपने तरीके से बनाते होंगे, मेरा अपना तरीका है ट्रे में डाल के उसको फासले पे स्पैचुला से क्यूब्स में पोर्शन बना दिए जाएँ। तो लोग बाज़त आइस क्यूब में भी इसको फ्रीज़ कर देते हैं। तो जनाब यहाँ पे आप अपनी ही लिमिट में अपनी ही मर्ज़ी से लहसुन अदरक का पोर्शन बना सकते हैं। इसी तरह मैं आपको बताऊँगी कि हम आजकल कहाँ बिजी हैं। मैं आजकल अल्हम्दुलिल्लाह ऑनलाइन वर्क करती हूँ, मैं किसी भी ऑनलाइन वर्क पे बिलीव नहीं करती थी, क्योंकि उसकी वजह कुछ इस तरह की है। ओह ये वाला भी आगे बीच में। तो यहाँ पे आप एम्ब्रॉयडरी कोई भी बॉक्स लें, उसके आप स्ट्रिप्स बनाएं और माचिस के ज़रिए इसको यूज़ करें। माचिस के साथ, यानी कि माचिस चला ली है, माचिस को तो जलाने की जरूरत नहीं, चूल्हे से चूल्हा जलाना हो तो उसको स्ट्रिप को यूज़ करें। तो ये देखें ऑनलाइन वर्क की कमाई, मैं कोई शो नहीं कर रही, कोई प्रमोट नहीं कर रही कि आप ये ओवर माई हेल्थ जो भी कोई ऑनलाइन है या कोई भी ऐसी ऑनलाइन ज्वाइन करें, लेकिन ये जो है ना बिलीव करें बहुत अच्छी ऑनलाइन हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी निकली है। बाकी तो स्कैम 2-4 मेरे साथ भी हो चुके हैं लाइफ में, मुझे बिलीव नहीं था, लेकिन ये मैं अभी न्यू हिस्सा बनी हूँ। मैं किसी को ये नहीं कह रही कोई ज्वाइन करे, कोई प्रमोशन नहीं दे रही, कोई कुछ नहीं कर रही, लेकिन आप ट्राई करें, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। ये आपको इतने सारे फ्री कोर्सेज दे रहे हैं, इतने सारे कोई भी प्लेटफॉर्म हमें फ्री कोर्सेज नहीं देता। आप अगर ज्वाइन भी करना चाहें तो सिर्फ इसको आप कोर्सेज के लिए भी ज्वाइन कर सकते हैं, कोई इसमें इतनी ज़्यादा फीस नहीं है, कोई कुछ नहीं है। और मैं भी यूट्यूब खोला है मैंने ओवर लाइट हेल्थ के नाम से, तो इसके अंदर फेक न्यूज़ इतनी ज़्यादा है ना यार, कांट बिलीव। वो तो खैर सब चीज़ों में ही होती हैं, लेकिन आप एक बार इसको तसल्ली से गूगल करें, देखें कि औरतों के लिए एक ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है घर बैठ के छोटी मोटी कमाई करने का और कोर्सेज करने का। जाते जाते सब्सक्राइब करते जाए। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।